दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेट राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी पैडागोजी का सेकंड वीडियो सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। 2016 प्रीवियस ईयर का सेकंड लैंग्वेज का ये क्वेश्चंस है और इसी क्वेश्चंस का मिलता जुलता स्वरूप ही आपको एग्जाम में आता है और ट्रिक के साथ कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे टैग वर्ड के साथ आज उसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों ये चैनल आपके लिए सीटेट का फुल प्रिपरेशन डिजिटल कॉन्टेंट के साथ बनाया गया है। इस बार का सीटेट आपका मैजिक की तरह आप सीटेट को क्रैक करोगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीटेट राजा, जी हाँ सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। क्वेश्चन नंबर 121 121 लेंगे। 121 क्या कह रहा है? साधारण तौर पर शिक्षक, जी हाँ, यह समझते हैं कि बच्चों को लिखना तब सिखाना चाहिए जब उन्हें वर्णों का पहचान हो जाए। यह विचार पूरी तरह से क्या है? सही, एक स्वीकार्य विचार है। ठीक है, आगे देखते हैं। वैज्ञानिक है, बाल स्वभाव के अनुकूल है और अवैज्ञानिक है। दोस्तों देखिए यहीं पे जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये एग्जामिनर आपको यहीं पे आपको देखता है कि आपकी समझ कहाँ पे है। तीन ऑप्शन तो हमें, अवैज्ञानिक तो ये ख़त्म कर दीजिए, लेकिन ये तीन जो ऑप्शन है, तीनों का तीनों आपको पॉजिटिव पे में लेके जा रहा है, लेकिन तीनों में से जो ब्रॉड है वो कौन सा है? वो है वैज्ञानिक। जी हाँ, वैज्ञानिक विधि में आपका स्वभाव अनुकूल है, ये भी आ जाएगा। सही है और स्वीकार है, ये भी आ जाएगा। जी हाँ, टैगवर्ड का वीडियो जरूर देखिए और हिंदी पैडागोजी का वीडियो, सारा कॉन्टेंट आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा दोस्तों, सीटेट राजा के प्ले लिस्ट में। 122 लेंगे। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा? जी हाँ, लेखन वास्तव में कैसे हो रहा ये देखेंगे। शाम पठ में लिखे हुए को समझकर लिख रहे हैं। ठीक है, समझ के लिख रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दो दो समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। ठीक है, ये ग्रुप में लिख रहे हैं। पाठ पुस्तक से देखकर बोल बोल कर लिख रहे हैं। वेरी गुड। और आगे देखते हैं। पाठ पुस्तक से पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। याद करना तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, पहले इनको हटा दें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तीन तो हमें कुछ ना कुछ उसमें पॉजिटिव चीज दिख रहा है, लेकिन जब आप देखेंगे जिसमें बच्चा का एंगेजमेंट हो, बच्चा एक्टिव हो, वो ऑप्शन हमारा सबसे ब्रॉड होता है जिसमें बच्चा शामिल हो। जी हाँ, वो है दो दो समूह में चर्चा। चर्चा भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव टैग वर्ड है। जब आप चर्चा करते हैं तो बच्चे का माइंड ग्रोथ बहुत ज्यादा, बाद विवाद में बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। चर्चा आ गया, ग्रुप आ गया, सामूहिक गतिविधि आ गया, बच्चे इसमें एक्टिव है। ऑप्शन नंबर दो हमारा सबसे ब्रॉड आंसर है, इसलिए हम इसे चूज करते हैं। वो एक 123 लेंगे। 123 कक्षा में, कक्षा एक के बच्चे, ठीक है, एक के बच्चे हैं। बच्चे का गृह कार्य जांचते समय आप उनका गृह कार्य चेक कर रहे हैं। आप पाते हैं कि कुछ बच्चे के अक्षरों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, आप टीचर, अकॉर्डिंग टू टीचर हैं, आप क्या देखेंगे उन्हें? उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। ठीक है, ऐसे तो ही हमारा एक नेगेटिव टैगवर्ड है। तब भी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उनकी लिखाई का निंदा करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, नेगेटिव टैगवर्ड, निंदा, दंड, ये पुरस्कार। उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे। ठीक है, उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे एक तो हमें नेगेटिव मिला, लेकिन तीन क्वेश्चंस बहुत पॉजिटिव मिल रहे हैं। उनमें से ब्रॉड क्या है? जी हाँ, उनमें से ब्रॉड क्या है? उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए आप समय देंगे, ये भी एक पॉजिटिव है। उनकी, उन्हें पुनः लिख कर लाने के लिए कहेंगे, नहीं पुनः लिख कर नहीं कहेंगे लाने के लिए, उन्हें सीधी रेखा में लिख कर दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए सीधी रेखा में तो हम लिख के दिखाएंगे, लेकिन बच्चा तुरंत तो सही नहीं कर लेगा ना, सही तुरंत कर नहीं लेगा, इसलिए उन्हें स्वयं ही सुधार करने के लिए समय देंगे। यहाँ पे ही एक नेगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन आपको इस तरह से क्वेश्चन को सेट किया गया कि आपका माइंड को चेक करने के लिए। जी हाँ, सीटेट आपका आईक्यू लेवल को चेक करता है दोस्तों, आईक्यू लेवल। 124 लेंगे। भाषा के पाठ्यक्रम में कहानियाँ, जी हाँ, जो कहानी होता है, कहानी का शैक्षणिक प्रयोग मुख्यतः इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बच्चे, कहानी क्यों होता है? स्मरण क्षमता विकास करने के लिए, स्मरण याद करना एक तो नेगेटिव है। फिर आगे देखते हैं। उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करने के लिए, अब कहानी के लिए उच्चारण पढ़ना लिखना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण के नियम को कंथस्ट करते हैं दोस्तों। कंथस्ट एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसे तो हटाइए। व्याकरण भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है, इसे भी हटाइए।
याद याद एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इस उच्चारण संबंधी गलतियों में सुधार करते हैं। जो कहानियाँ होती है लय में हम उन्हें पढ़ाते हैं, कहानी या कविता को, तो उसमें जो उच्चारण है, उच्चारण बच्चे का सही होता है। जैसे हम कविता पठन कराते हैं, झांसी की रानी थी एक था राजा, जी हाँ, उनसे उनका उच्चारण में सुधार होता है। स्मरण क्षमता, दोस्तों हम कभी स्मरण और याद इसे कंथस्ट ये सब नहीं कराएंगे बच्चे को, जी हाँ। 125 लेंगे, कहानी सुनाते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य, जी हाँ, क्यों घबराते, किस लिए नहीं है, नहीं घबराएंगे बच्चे बड़े बड़े लंबे लंबे वाक्यों से, सार्थक तथा मज़ेदार हो, ठीक है, जोर से बोले गए हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, पहले से सुने हुए हो ऐसा भी नहीं है, सीधे वो सरल हो, दोस्तों वाक्य जो है सार्थक तथा मज़ेदार हो। सार्थक अधिगम जहाँ पे आ जाए, हमारा पॉजिटिव टैगवर्ड है, सार्थक अधिगम, सार्थक अर्थ निर्माण, ये हमारा पॉजिटिव टैगवर्ड है। 126 लेंगे, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि, जी हाँ, बिना मात्रा वाले शब्दों की बतरनी बता सके, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे बच्चे, और बच्चे का जो पढ़ाई पहले स्टार्ट होता है वो पिक्टोग्राफी चित्रात्मक विधि से शुरू होता है, चित्र, जी हाँ, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखे, ठीक है, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या है, वर्णों को पहले पहचान करना सीखे, ठीक है, 12 कड़ी अच्छे से याद, याद तो ख़त्म ही कर देंगे, सबसे पहले वर्णों की पहचान करना सीखे, और उससे पहले हमारा होगा चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखे, पहले बच्चा चित्र से पिक्टोग्राफी से चीज़ों को देखता है, फिर हम उन्हें वर्ण दिखाते हैं, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट 127 लेंगे, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो, देखिए आ गया ना, अगर पठन सामग्री के साथ चित्र हो तो क्या इसका बेनिफिट क्या है, चित्रकार की भूमिका के महत्व का पता चलता है, ठीक है, आगे देखते हैं। पठन सामग्री का आकर्षण बढ़ाता है यार, फोटो चित्र जो होता है, लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाने में आसान हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, NCF कहता है बच्चों को हमें अनुमान लगाने के लिए उन्हें अवसर देना चाहिए, जी हाँ। अब इससे पहले का क्वेश्चन भी था कि वर्ण से पहले हम पिक्टोग्राफी कराएंगे, पठन सामग्री की गुणवत्ता की वृद्धि के लिए नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होता है। 128 एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है, 3 साल का बच्चा क्या बातचीत करेंगे, कैसे विषय पर देखते हैं, जो उसके डैश दायरे में आता है, जो सामाजिक, भावात्मक, सांस्कृतिक और संज्ञानात्मक, दोस्तों 3 साल का बच्चा है तो भावात्मक रूप से, इमोशनल रूप से हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। 129 लेंगे, 129 चोम्स्की, जी हाँ, भाषा में चोम्स्की साहब जरूर आएंगे, चोम्स्की साहब भाषाई क्या कहते हैं, उनके अनुसार भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती नहीं, जन्मजात होता है, देखते हैं। भाषा अनुकरण से स्किनर ने कहा था, भाषा सीखने से समाज, ये वाजोस्की ने कहा था, भाषिक क्षमता जन्मजात होता है, ये चोम्स्की साहब ने कहा था, बच्चे में LAD होता है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, और जन्मजात गुण होता है भाषा सीखने का। क्वेश्चन नंबर 130 लेंगे, 130, जी हाँ, 130 क्या है कि भाषा की कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश कैसे रचा जा सकता है, केवल खत्म नेगेटिव कहानी, केवल विविध आकर्षक, देखिए विविध भी दे दिया लेकिन केवल उसे नेगेटिव कर रहा है, आकर्षण पुस्तकें, जी हाँ नेगेटिव, दीवार पे केवल आकर्षक, एकदम केवल, ये भी एक नेगेटिव, केवल जहाँ मिले दोस्तों उसे काट दीजिए। नेगेटिव टैगवर्ड का वीडियो जरूर देखिए, चैनल पे बना है आपका, नेगेटिव टैगवर्ड से कम आप 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे ही समझ ना भी समझ में आए तो आप टैगवर्ड से कर लोगे। कहानी कविता के पोस्टर, ठीक है, वह बच्चे के कामों की कक्षा में प्रदर्शित करना, जी हाँ बहुत बढ़िया। दीवारों पे सुक्तियों पे उपदेशात्मक बातें लिखकर, ऐसा नहीं है, कहानी कविता और पोस्टर बच्चे का कक्षा में प्रदर्शित करते हैं, सुक्तियाँ एवं उपदेश हम नहीं देंगे बच्चों को, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही होता है। 131 लेंगे, 131 में क्या दोस्तों, नितिशा अपने सहपाठियों से ठीक तरह से बात करती है, ठीक है, अच्छे से बात करती है नितिशा, परंतु कक्षा में उत्तर देते समय कहलाती है वह संभवतः, अच्छा
यहाँ पे देखिए नीतीशा अपने सहपाठी से ठीक तरीके से बात करती है, परंतु कक्षा में जब वो किसी चीज़ का उत्तर देती है तो वो हकलाती है। ये किस लिए हकलाती है? कक्षा में हंसी का माहौल पैदा करना चाहती है, ऐसा नहीं है। घर से पाठ याद करके नहीं आती है, ऐसा भी नहीं है। जानबूझ के ऐसा करती है जिससे कि उसका सवाल ना पूछे, ऐसा भी नहीं है। बड़े समूहों में अपनी बात कहने में दबाव महसूस करती है, वो संवेग उनके ऊपर हावी हो जाता है। और ये वीडियो, इससे रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 132 ले लेंगे दोस्तों। 132 क्या है? सुनना बोलना, ठीक है। कौशल के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकता है? ठीक है, सुनना और बोलने को हम डेवलप करेंगे। कविता याद तो नहीं का, याद जहां आ जाए उसको तो एकदम फेंक दीजिए। जी हां, याद करना, रटना, दंड, पुरुष, ये सब नहीं ही, ये सब लिमिटेड है। टैगवर्ड का वीडियो जरूर देखें दोस्तों, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेगेटिव है, कविता याद करवा कर बुलवाना, ठीक है। कक्षा में कुछ बच्चे द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनाना, ठीक है। ये तो इसमें खाली पढ़ रहे हैं ना, अब बोलना, ठीक है। आगे देखते हैं, अत्यक्षरी गतिविधियों का आयोजन करना, ठीक है। ये भी देखते हैं, कहानी कहना और उस पर बच्चे की प्रतिक्रिया जानना। अब देखिए इसमें बच्चा बोलना और सुनना सीखेगा, कहानी आपने बोला, अब बच्चे से हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं तो बच्चा बोलेगा भी ना, इसमें ये था। और बच्चे का सक्रिय भागीदारीता जहाँ पे आ जाए वो आंसर हमारा सबसे बड़ा व्यापक होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 लेंगे, 133। हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्यों? किस लिए? उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। हिंदी का क्लास आप ले रहे हो, हिंदी तर यानी कि जो हिंदी से बिलोंग नहीं करता है, पंजाबी, असमीस, कई भी होगा जो हिंदी उनका मदर टंग नहीं है। अब ये अरुचि क्यों होता है उनको, रीजंस क्या है? अध्यापक उनकी भाषा संबंधित त्रुटि को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। आगे और देखते हैं, उनकी अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। जी हाँ दोस्तों, मदर टंग NCF भी कहती है, 1 से 8 तक हम मातृभाषा में बच्चे को अधिगम करवाएं। उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगता है, ऐसा भी नहीं है। उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता, ऐसा भी नहीं है। मदर लैंग्वेज, मातृभाषा, हम उसे सबसे पहले देखेंगे। और बहुवाचिकता एक संसाधन है, प्लेलिस्ट में जाके देखें दोस्तों, हिंदी का पैडागोजी का 3 वीडियो में पूरा पैडागोजी खत्म। बच्चे के भाषा विकास के लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोत्तम होगी? जी हाँ, अब भाषा का विकास करेंगे, देखते हैं। ऐसे अध्यापक जो भाषा के नियम की समग्र जानकारी रखता हो, ठीक है। आगे भी और देखते हैं, घर में ऐसा परिवेश जहाँ मानक भाषा बोली जाती है, ठीक है। घर में मानक भाषा कहाँ बोलते हैं? घर तथा पास पड़ोस में ऐसा परिवेश जहाँ बोलने सुनने का बहुत से बहुत अवसर मिले, और अवसर एक पॉजिटिव टैगवर्ड है, ठीक है। ऐसे भी अभिभावक जो तरह तरह के सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मल्टीटीएलएम लाके देंगे, ऐसा भी नहीं है। उन्हें अवसर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे, तब बच्चे का भाषा विकास ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 135 लेंगे। 135 क्या दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। 135, गोमती श को श बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं टोकेंगे हम उन्हें? रीजंस है। और सहज अभिव्यक्ति के अवसर भी देती है, ठीक है। परंतु चिंतित है कि किस तरह से उनका उच्चारण ठीक करवाए, ठीक है। शौक हो शौक बोलती है, अब उनका उच्चारण को ठीक भी करना है, ठीक है। उन्हें चेतावनी देंगे, एकदम नहीं चेतावनी देंगे कि वो निश्चित कक्षा तक सही बोले, चेतावनी तो बच्चे को देंगे ही नहीं। उसके अभिभावक को कहेंगे कि उन्हें शौ शौ में पृथक पृथक अभ्यास कराए। भाई साहब, अभिभावक को क्यों बोलेंगे, हम टीचर हैं। उसे शौ और शौ के अंतर को लिख कर समझाएंगे, ठीक है। और देखते हैं, शौ और शौ के प्रयोग वाले श्रवण सामग्री सुनने के अनेक अवसर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब इन्हें देखिए, शौ और शौ वो जो बोल रही है, अंतर समझाएंगे नहीं, हम उन्हें अवसर देंगे। अवसर एक पॉजिटिव टैगवर्ड है, और शौ के बीच वो अंतर कर पाएगा। दोस्तों सीटेट का बनना है राजा, तो सब्सक्राइब करें सीटेट राजा, ट्रिकी वे के साथ, डिजिटल कंटेंट के साथ। सीटेट का फुल प्रिपरेशन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।